दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 2019 के बेस्ट आइकन पैक के बारे में, जिन्हें आप यूज करके अपने डिवाइस को प्रो लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो। चाहे आप कोई सा भी लॉन्चर यूज करो, अगर आप इन आइकन पैक को यूज करोगे तो आपका डिवाइस काफी अट्रैक्टिव लगेगा, एकदम प्रो लेवल का कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा। तो वो आइकन पैक कौन कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, हम सभी को पता है कि आजकल जितने डिवाइस आ रहे हैं उनमें थीम का ऑप्शन नहीं मिलता, और थीम का ऑप्शन ना मिलने के बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम तो किसी लॉन्चर का यूज़ करें और लॉन्चर को ही कस्टमाइज़ करें। तो लॉन्चर तो हम कोई सा भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब आइकन पैक की बारी आती है तो आइकन पैक डाउनलोड करने में हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें सारे आइकन पैक काफ़ी बढ़िया लगते हैं। प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आइकन पैक देखने को मिल जाएंगे, और सारे आपको जो अगर उसका स्क्रीन शॉट देखोगे तो सारे आपको बेस्ट दिखेंगे। लेकिन उन एप्लीकेशनों में से जितने भी आइकन पैक के एप्लीकेशन है उनमें से मैं बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर ले आया हूँ, जिन्हें यूज करके आप अपने डिवाइस को एक बढ़िया सा लुक दे सकते हो, बढ़िया सा आइकन पैक यूज करके एक अट्रैक्टिव सा लुक दे सकते हो। तो आते हैं सबसे पहले आइकन पैक की ओर। तो जो सबसे पहला आइकन पैक है वो है आर्टिकॉन। आर्टिकॉन को आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आइकन पैक आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप आइकन में टैप करो तो कुछ इस तरीके का, जैसे कि हाथ से कुछ ड्रॉ किया जाता है, जैसे हम बचपन में अपने हाथ से कुछ ड्रॉ करते थे, तो उस तरीके का आप देख सकते हो इसमें आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसको करते हैं अप्लाई। तो अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ पोको लॉन्चर। अगर आप कोई सा भी लॉन्चर यूज करो, चाहे नोवा लॉन्चर चाहे कोई सा भी, तो उसमें यह आइकन पैक आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आइकन पैक पे आएंगे, और यहाँ पे आइकन पैक पे आने के बाद से हम आर्टिकॉन पे टैप करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जितने आइकन्स थे वो यहाँ पे चेंज हो गए, एकदम अट्रैक्टिव से जो लग रहा है कि किसी हाथ, जितने भी आइकन है उन्हें हाथ से ड्रॉ किया गया है, और मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब आप देख ही सकते हो कितने अट्रैक्टिव से ये लुक आपको इसमें देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेंजर, और यहाँ पे म्यूजिक, और आप देख सकते हो फोन पे ओपन कैमरा, यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हो टेलीग्राम, मतलब जितने भी आइकन आप ऐप या जो भी ऐप यूज कर रहे हो उसमें जितने भी है वो यहाँ पे टोटली चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से ड्रॉ किया गया है। तो काफी एक अट्रैक्टिव सा लुक मिल जा रहा है इस आइकन पैक को यूज करने के बाद से। तो अगर आप नोवा लॉन्चर का सेटअप हमेशा करते रहते हो तो आप इस आइकन पैक को एक बार जरूर ट्राई करना, जिससे आपके सेटअप में एक बढ़िया प्रो लेवल का लुक मिल जाएगा और काफी अट्रैक्टिव लगेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो ये फोन कैमरा म्यूजिक सारे जो आइकन है वो एकदम अट्रैक्टिव सा लुक आपको दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके का आइकन पैक को पसंद करते हो तो आप इस आइकन को एक बार जरूर ट्राई करना, अपने डिवाइस को कस्टमाइज करना, और इस आइकन पैक के हेल्प से एकदम अपने डिवाइस को एक प्रो लेवल का लुक देना। अब आते हैं दूसरे आइकन पैक की ओर। तो देखो यार, दूसरा जो आइकन पैक है वो है न्यूब, और न्यूब को जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको आइकन पैक इसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम। आप देख सकते हो मुझे काफ़ी ये आइकन पैक यूनिक लगा था, जैसे कि आप देख सकते हो एक शेप में आपको सब आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इस पर जो शेडिंग की गई है या आप कलर कह लो काफ़ी अट्रैक्टिव सा आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके का लुक हमारे डिवाइस को मिलता है। तो यहाँ पर हम आए आइकन पैक में, और आइकन पैक में आने के बाद से हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया न्यूब को, और न्यूब को किया यहाँ पर हमने अप्लाई। और अप्लाई करते ही आप देख सकते हो मेरे जितने भी ऐप के आइकन थे वो टोटली यहाँ पर चेंज, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फेसबुक का आइकन था डुओ, या फ्लिपकार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे जीमेल देख सकते हो, एकदम टोटली यूनिक टाइप के आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिल जा रहा है। मैसेंजर का आप देख सकते हो, मतलब जैसे मैंने कहा कि सारे ऐप के आइकन जो हैं वो एक शेप में हैं, और काफी ज्यादा कुछ अलग यूनिक कलर में आपको देखने को मिल जा रहा है, कुछ ऊपर डार्क और नीचे हल्का में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो काफी एकदम बढ़िया सा आइकन इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये भी अगर आप इसे यूज करते हो तो काफी बढ़िया कस्टमाइजेशन या लुक आपको आपके डिवाइस को मिल जाएगा। अगर आप नोवा लॉन्चर के सेटअप में इसे यूज करते हो तो एक बढ़िया सा आपको लुक जाएगा कस्टमाइजेशन के मामले में। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना और अपने एक डिवाइस को एक अट्रैक्टिव सा लुक देना। तो अब आते हैं तीसरे आइकन पैक की ओर। देखिए, जो तीसरा आइकन पैक है वो है वन यूआई। और जब से सैमसंग के डिवाइसों में वन यूआई का अपडेट आया है उसके बाद से उसमें जो सबसे अट्रैक्टिव चीज मुझे लगी थी वो है उसके आइकन पैक, जो काफी बढ़िया और मिनिमलिस्टिक लुक दे रहे थे। तो इसलिए ये है आपका वन यूआई का आइकन पैक। वैसे प्ले स्टोर में बहुत सारे आइकन पैक अवेलेबल हैं, लेकिन ये मुझे काफी जेन्युइन लगा और काफी ऑफिशियल लगा। तो इसे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके का आपको इसमें लुक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आइकन्स दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके का आपको आइकन्स इसमें देखने को मिल जाएगा, जो काफी एक बढ़िया सा आपके डिवाइस को लुक देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्क्वायर और सर्कल का मिक्सचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि किस तरीके का मेरे डिवाइस में इसका लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने टैप किया आइकन पैक पे, और आइकन पैक पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया वन यूआई वाला आइकन पैक। तो जैसे कि आप देख सकते हो अप्लाई होते कुछ इस तरीके का आपको वन यूआई वाले आइकन पैक आपके फोन में मिल जाएंगे। चाहे आप कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई सा भी लॉन्चर यूज कर रहे हो, आपको वन
GUI वाला फील यहाँ पे मिल जाएगा, आइकन मिल जाएंगे, और जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी आइकन है वो काफी ज्यादा मतलब चेंजेस आप देख सकते हो, Spotify का देख सकते हो, यहाँ पे पिक कार्ड का देख सकते हो, फोन पे का देख सकते हो, यहाँ पे आपके अपने फोन एप्लीकेशन का देख सकते हो, MX Player का देख सकते हो, जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करें वो सारे एकदम चेंज हो जाएंगे वन UI वाला आइकन पैक में। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कॉल करने के लिए कैमरा या म्यूजिक जितने भी एप्लीकेशन है टोटली यहाँ पे चेंज हो जा रहे हैं। और मतलब वन UI वाले आइकन पैक में सिंपल सी बात यह है कि एकदम सिंपल में काफी बढ़िया सा लुक आपके डिवाइस को दे देता है। तो अगर आप इसे अपने नोवा सेटअप में या सिंपल सेटअप में यूज करते हो तो काफी बढ़िया सा एक लुक देगा और एक अट्रैक्टिव सा लुक देगा, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करना। अब आते हैं चौथे आइकन पैक की ओर। तो जो चौथा आइकन पैक है उसका नाम है वायरल, और वायरल को ओपन करते हैं मैं दिखाता हूँ किस तरीके का आपको आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको आइकन देखने को मिल जाएगा वायरल वाले एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको फटाफट अप्लाई और दिखाते हैं कि कैसा लुक मिलता है इसको अप्लाई करने के बाद से। तो यहाँ पे हमने आइकन पैक पर टैप किया, यहाँ पे हमने वायरल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया हमने अप्लाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो अप्लाई करने के बाद से कुछ इस तरीके का आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि मैंने इस आइकन पैक को इसलिए रखा क्योंकि इसमें डार्क शेडिंग और एकदम डार्क टाइप का आपको आइकन मिल जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे आइकन थे, चाहे स्पॉटीफाई का हो, चाहे टेलीग्राम का हो, चाहे VLC का हो, उसमें आप एक तरह से नोटिस करोगे तो आपको एकदम डार्क वाला फील आपको मिलेगा। तो अगर आप हमेशा व्हाइट यहाँ पे वॉलपेपर यूज करते हो या मतलब कुछ डार्क वॉलपेपर यूज करते हो, ये आइकन दोनों वाले वॉलपेपर पे काफी सेटल्ड और काफी बढ़िया सा लुक देगा, चाहे आप व्हाइट यूज करो चाहे ब्लैक यूज करो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, उसमें भी एकदम एक कलरफुल ब्लैक वाला एकदम मिक्सचर आपको देखने को मिल जा रहा है और काफी अट्रैक्टिव सा लुक देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से नोवा सेटअप में डार्क वाला सेटअप पसंद करते हो तो आप इस आइकन पैक को जरूर ट्राई करना, काफी अट्रैक्टिव सा लुक देगा। अब आते हैं लास्ट आइकन पैक की ओर। तो जो लास्ट आइकन पैक है उसका नाम है विकॉन्स, और विकॉन्स में बताऊं कि मैंने लगभग मैंने 1.5 साल पहले यूज किया था और मुझे काफी बढ़िया ये आइकन पैक लगा था। अगर आप हमेशा डार्क वॉलपेपर यूज करते हो तो ये आइकन पैक उसमें काफी बढ़िया सा लुक देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपको एकदम टोटली व्हाइट में आइकन देखने को मिल जाएंगे जो काफी एकदम मस्त आपके डिवाइस को लुक देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको फटाफट यहाँ पे अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद से देखते हैं किस तरीके का हमें यहाँ पे लुक मिल जाता है विकॉन्स को अप्लाई करने के बाद से। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया विकॉन्स को, यहाँ पे किया हमने अप्लाई, और अप्लाई करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐप के आइकन छोड़ के मतलब बाकी जितने भी सिस्टम के ऐप हैं या जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो वो सारे यहाँ पे टोटली व्हाइट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन छूटे हुए हैं उसमें से लगभग सिस्टम के ही ऐप हैं, बाकी सारे जो एप्लीकेशन हैं वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम टोटली व्हाइट वाला आपको आइकन पैक देखने को मिल जा रहा है और जो काफी एकदम अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है अगर आप डार्क वॉलपेपर हमेशा यूज करते हो नोवा सेटअप में या कोई सा भी लॉन्चर में या सिंपल सेटअप में। तो इसमें आपको एकदम अगर आप ये आइकन पैक यूज करते हो तो सिंपल में और एकदम व्हाइट के मिक्सर के साथ काफी बढ़िया सा आपको ये आइकन पैक देखने को मिल जाएगा। और यार आप देख सकते हो कि जितने भी स्पॉटीफाई या टेलीग्राम जितने भी ऐप के आइकन्स थे वो एकदम यहाँ पे टोटली चेंज हो गए हैं और काफी बढ़िया सा लुक दे रहे हैं अगर आप हमेशा डार्क वॉलपेपर यूज करते हो तो उसमें ये काफी बढ़िया सा एक लुक देंगे। तो आई होप ये आइकन्स आपको पसंद आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।